नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार नार्वेकर जी, कैसे हैं जी? बिल्कुल मजे में, आप कैसे हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने। बस अभी तो बस सब घर पे बैठे हुए हैं। आई होप आप सब सेफ हो और आप सबके घर वाले भी सब सेफ हैं और घर के अंदर हैं। नहीं, हम लोग तो सेफ है, पर हम मतलब गवर्नमेंट जॉब में है तो इसलिए हम पब्लिक में है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, पर मैं सोचा बाद में पूछूंगा। लेकिन लोग वहां पर पालन कर रहे हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस का? डेफिनेटली डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं, काफी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे में अभी भी काफी लोग हैं जिनके बात समझ में नहीं आ रही है कि घर पे रहे। नहीं, समझ में सबके आ रही है, पर कुछ लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से है। नहीं, बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। बट मैं ये मौका लेना चाहूंगा आप सबका धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग इतना जी जान से मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और यू नो हमारे सबकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप लोग सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो धन्यवाद सबको। थैंक यू। और आपका क्या रूटीन है? जी सर, मेरा अभी मैं फिलहाल स्टूडियो में रह रहा हूँ, तो स्टूडियो में रह रहे हैं, आप नहीं निकलते? हाँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, म्यूजिक बना रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ। ये मौका अच्छा है अंदर विचार करने का और थोड़ी चीजें पढ़ लेने का, सीख लेने का अच्छा मौका मिला है। जनरली मिलता नहीं है इतना वक्त के यू नो कुछ चीज पढ़ ली, कोई किताब, कोई शायर शायर का कुछ कलाम पढ़ लिया, कुछ गजल सुन ली, कुछ वो ऐसा माहौल होता नहीं है जनरली। तो ये एक अच्छा मौका मिल गया है अच्छी चीजों को सुनने का, समझने का, एक नया नजरिए से हर एक चीज को देखने का। नहीं, आप लोगों का अच्छा आइडिया है इस तरह से लोगों से लाइव होने का। हम लोग ये सब कर पा रहे हैं सर क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड आप लोग यू नो मैं जैसे कि जैसे मैंने बोला कि आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके से कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ जिस तरीके से। पर मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सजेशन है इसमें, हाँ जी, कि जैसे डॉक्टर्स जो है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो तो अपना कर ही रहे हैं, पर प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इसमें काफी आगे आना चाहिए। लाइक इन अब्रॉड जो है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी काफी उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पर मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स को जितने भी प्राइवेट हैं बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे भी हिसाब से ना जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है, ना सिर्फ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग है, लोगों को भी आगे आके एक दूसरे की थोड़ी बहुत मदद जितनी हो सके करनी चाहिए। नहीं, मदद तो वो एक अलग है, वो चैरिटी है, पर डॉक्टर्स को इस टाइम एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है। Yes. और प्राइवेट डॉक्टर्स थोड़ा सा जो कम कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा फील्ड में आए, और जहां भी अपनी इसको जो है वॉलंटरी अपनी जो है सर्विसेज दे सकते हैं तो दे सर्विसेज अपनी। राइट। इसको मैं, आप इतने आप आर्टिस्ट है, आगे चल के मेरी वो आपसे मेरी वो है, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, अब हो गया, कनेक्ट हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था जी, हो गया हो गया। जी। हमारे अभी आ रहे लोग, आ रहे धीरे धीरे, पीपल आर जॉइनिंग इन। सर आप थोड़ा कैमरा थोड़ा सा ऐसे नीचे रखेंगे ना तो आपकी एंटायर फेस आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट्स ओके ना? बिल्कुल, यस यस इट्स गुड। मैं कह रहा हूँ कुछ लाइट करते हैं थोड़ा सा माहौल को, इतना हम लोग सीरियस टॉपिक के अंदर आते ही घुस गए। नहीं, वो सीरियस हो गया, अब जो है अब उसको लाइट कीजिए और उसको थोड़ा और अच्छा कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने एक गाना अभी रिलीज किया था दिसंबर में, अगर आपको मौका मिले तो ऑडियो भी जाके सुनिएगा। गाने का नाम है नहीं जीना, तो इसकी रिक्वेस्ट बहुत आती रहती है, तो मैं उसी से शुरू करूंगा। कॉल आज मेरी माही के देखो ना देने ये डालने लगा, शाम भी चली आई ना आई तू देखो मेरा तेरी, कॉल आजा मेरे माही के देखो ना देने
ये डरने लगा सारे चले आए तू देखो मेरा तेरी नहीं लगता वे दिल मेरा ये नैना रात भर जग दे मैं किसी का भी नहीं होना तू मैनु अपना कह दे के बिन तेरे नहीं जीना मेरे यार मैं तेरे बिन नहीं जीना मेरे यार मैं तेरे बिन नहीं जीना जी हम जो है यहाँ पर अलीगढ़ महोत्सव कराते हैं जी बिल्कुल अलीगढ़ महोत्सव कराते हैं बिल्कुल सर और ठीक ठाक होता है इस बार तो थोड़ा सा डाउन था कुछ एजिटेशन की वजह से नहीं काफी यहाँ क्राउड का टर्नअप काफी रहता है और स्टार्स भी और जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं काफी आते हैं और कनिका कपूर ने भी लास्ट ईयर परफॉर्म किया था इस बार कनिका कपूर न्यूज में थी काफी तो लास्ट ईयर कनिका कपूर जी ने भी इसमें वो किया था जी। और इस बार मेनली और कौन कौन आए थे इस बार काफी हमारे उसमें आए थे अलका याग्निक भी इस बार आई थी हमारे तो काफी है तो इस बार हम जो है जब नेक्स्ट टाइम होगा तो नारवेगर जी श्योर हम आपसे जो है कंसल्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल मैं खिदमत और यू आर बेस्ड एट बॉम्बे यस आई एम यू आर बेस्ड एट बॉम्बे यस 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 आई एम बेस्ड इन बॉम्बे एंड बस अभी यहीं पे पला बड़ा हूं बस आई हैव नॉट कम देयर येट आई वुड रियली लव टू कम देयर एंड अच्छा अभी तक कभी नहीं आए नहीं जी नहीं आया नहीं नहीं घूमने का मौका मिले तो बाकी ज्यादातर सेलिब्रिटीज आ चुकी है तो इस साल जो है 2021 में आप भी जो है बिल्कुल यहाँ का पार्ट हो जाएंगे इस साल आपका बोर्ड पर नाम लिख जाएगा बिल्कुल 21 स्टेट इज ऑन द चैट स्टेट व्हाट्सएप देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन नाउ स्लोली स्लोली आ रहे हैं ओके शोब्स व्हाट्सएप Tanay is always there. Chatan is always there. यहाँ पे बेसिकली ना क्या होता है यहाँ पे लोग सब कमेंट्स भेजते रहते हैं तो आप देख सकते हैं यार के you know, किस क्या बोल रहे हैं क्या सुनना है इनको हम जनरली अभी क्या कर रहे हैं क्योंकि सब लोग घर पे बंद हैं और हमारे से हो सके उतना एंटरटेनमेंट देना जरूरी है तो न्यूज आप खोलोगे तो सिर्फ आपको डराया जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा साधारण मनोरंजन देते हैं उनको लाइक आके ऐसे ही ऑफ यू नो ऐसे ही इनफॉर्मल वे में गिटार बजा लिया थोड़े गाना गा लिए हाय वंदना नयनिका हाय थैंक यू तो हम लोग ये करते रहते हैं अभी आते हैं लाइव थोड़े गाने गाते हैं लोगों की फरमाइशें होती है वो सुनते हैं वो गाते हैं थोड़ी बहुत अगर अपने को कोई चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कोई चीज अगर कोई चीज पे बात करनी है तो वो करते हैं इस बीच में आपने कुछ ज्यादा गाना लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गाना कौन सा गाया आपने मैं तो फिलहाल एक गाना बहुत गा रहा हूँ लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसको आपने प्ले किया किसको सबसे ज्यादा गाया मैं एक्चुअली हरिहरन साहब की एक एल्बम है काश नाम की एल्बम है तो बचपन से मेरी फेवरेट एल्बम है मैं जब भी वक्त मिलता है तो मैं उसी को जाके रेफर करता हूँ उसकी एक गजल है इट वाज लाइक काश ऐसा कोई मंजर होता काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कंधे पे तेरा सर होता काश ऐसा कोई मंजर होता ये इसको सुन रहा हूँ आजकल वेरी गुड
और आप अपने आपको ज्यादा वक्त तो मिलता नहीं होगा जी कामों के लिए, पर आप क्या सुन रहे हैं आजकल, कोई पर्टिकुलर गाना आप सुन रहे हो? नहीं, वो ज्यादातर हमने उसको सबको लाइव सुना हुआ है, क्योंकि हमने महोत्सव में 5 या 6 बार हमने उसको ऑर्गेनाइज करा लिया है, तो हमने ज्यादातर लोगों को गाना अगर होगा तो मुझे कहिए, मैं आपके लिए गाता हूँ। पहले हम आपका मनपसंद सुनना चाहेंगे। मेरा मनपसंद गाना बहुत डिफिकल्ट है, मैं म्यूजिशियन हूँ, मुझे प्यार है। आपका मनपसंद गाना, एल्बम का नहीं, किसी मूवी का गाना, आपका मनपसंद गाना। तो मेरा अभी एक गाना आया जैन में, काफी चल गया वो, उसका नाम था मुकाबला, ये स्ट्रीट डांसर में मुकाबला, पुराना जो गाना था उसका रीमिक्स था, तो वही गा देता हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा, मुकाला मुकाबला लैला, ओह लैला मुकाबला, सुभान अल्लाह लैला, ओह लैला। आजकल तो रिमिक्स का जमाना है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा रिमिक्स ही चल रहा है, वो क्या इसका क्या फ्यूचर है? पर बहुत सारा म्यूजिक निकल रहा है ना सर आजकल बाहर, तो दोनों चीजें आ रही है, लाइक लाइव इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी खुल गया है अभी, लोग आके अपने गाने यू नो बना रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, खुद गा रहे हैं, जैसे मैंने जो पहला गाना गाया नहीं जीना, वो मैंने ही कंपोज किया है, मैंने ही गाया है, तो वो भी एक नया वो वाइब आ गया है अभी, सब लोग आके अपना अपना मन की बातें कर रहे हैं, सिर्फ 2021 में आप उसको अलीगढ़ में परफॉर्म भी करेंगे? जी बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ जाएगा। जी जी जी, 2021 में आप परफॉर्म करेंगे, होप करें कि जब तक कोरोना खत्म हो जाए हमारा पूरा। नहीं नहीं 2021 तक तो नहीं रुक सकते सर, नहीं इस इन जनवरी इस नहीं इस इन जैन जैन 2021। हाँ बट आई एम सेइंग कोरोना तो खत्म हो जाएगा, पर ये जो है जो पब्लिक गैदरिंग जो है हमारी कब से शुरू होगी, सोचना ये है, पब्लिक गैदरिंग कब से स्टार्ट होगी भाई, स्टार्ट हो जाएगा फेसेस में जितना भी लोग, फेस्टिवल्स थिएटर्स ये कब आके यू नो प्रॉपर्ली वापस फंक्शन करने लग जाएंगे, ये मोर सो सर साइकोलॉजिकल चीज भी है, क्योंकि इतने दिन से कहा गया है कि दूर रहो, तो फिर अभी जब बहुत सारे लोग दिख जाएंगे तो अपने आप थोड़ा हिचकिचाहट होगी थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस इंसान तो वापस अपनी उस पे आ ही जाता है, आदत से मजबूर प्राणी है, नहीं उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट मेमोरीज है, हम दिन में देखते हैं ऑफिस में बिल्कुल लाइन लगी रहती है, बिल्कुल पब्लिक की लाइन लगी रहती है, उसका कोई असर नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है, बट काफी नारवेकर जी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, थैंक यू, और कुछ विशेष आप जो है जो जितने आपके लाइव व्यूअर्स हैं, मैं तो आपको देख लिया, उनके लिए कोई विशेष आप देखना चाहते दिखाना चाहते हो तो कुछ गाना चाहता हूँ तो जो भी आपको वॉट एवर यू वांट, एक एक पुराना गाना गा देता हूँ मैं, रफी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, बैकग्राउंड से मेरा सारा स्टाफ देख रहा है, सभी आपकी उस परफॉर्मेंस को काफी पसंद कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच सर, और इसी तरह से आप हम सभी लोगों को एंटरटेन करते रहिए, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक्स, इट्स अ प्लेजर फॉर मी, इट्स अ प्लेजर फॉर मी मीटिंग यू, एंड वेरी सून वी विल मीट, डेफिनेटली इन पर्सन, In person, definitely. Thank you. You take care.
ओके ओके या बाय।